धोखाबाज हो सब कुछ, ईवीएम धोखेबाज है। कांग्रेस पर वोट करेंगे, मोदी पर जाएगी, देश चलाने लायक है नहीं और रंडवाए आदमी। और जो वोट मंगने गया भाजपा का कोई सा नेता, ये तो लत्तो था बीटा का, अरे लुगाइयों की चपलो था बीटा का, पंडित हो मैं रंडवाए आदमी, वो उस पर हमन पे नहीं बैठ सकता। बैठ जाएगा और उधर राम मंदिर में कुकर बैठ जा रहा मोदी को रंडवे को। विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी, विदेश मतलब जनू राम मोदी का लट बजागा, मोदी का लट बजागा, इनका डगा नहीं है, डगा लट बज जाएंगे आगे प्रधानमंत्री। हम नहीं तो बड़े रखा, हम ही तोड़ सके। नमस्कार, मैं नूर जौहर, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत ही कम समय रह गया और इसके बाद जनता ले लो, एडवोकेट ले लो, सबका यही कहना है कि ईवीएम में धांधली हो सकती है, उसके बाद कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद है, सीधा जनता से जानते हैं क्या कहना है, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे कि ईवीएम से होंगे? बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर में धांधली नहीं हो सकती है क्या? क्यों नहीं जी, कैसे कह सकते हो बैलेट पेपर में धांधली नहीं हो सकती है? धोखाबाज हो सब कुछ, ईवीएम धोखेबाज है। कांग्रेस पर वोट करेंगे, मोदी पर जाएगी। कैसे है? कैसे? उसका दिमाग है परंडवे का, और वो पता नहीं क्या कर कर आ गया। वो तो तब पकेगा तो हाथ को, वो पड़ेगी फूल में, वो मशीन भी उसी के दिमाग की बनी हुई है। उसके दिमाग की नहीं बनी हुई है, वो कांग्रेस लेके आई थी मशीन, उसके बाद अब यूज भाजपा ना करे जब भाजपा सत्ता पर है। तो कांग्रेस वाले करे बैलेट पेपर तक वोट होनी जा, इब करवाए तो ना प्रधानमंत्री। बैलेट पेपर में बहुत खर्चा होगा। क्यों होगा? प्रधानी में भी तो खर्चा होता होगा उनका। प्रधानी में और ज्यादा मशीन आई थी आज, बैलेट पेपर से मशीन पेपर वोटिंग पड़े जी। तो ईवीएम में धांधली हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जी ईवीएम में धांधली हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती है? हो सकती है। अभी आप कह रहे हो नहीं हो सकती है, तो मैं सुनाई नहीं थी ना पहले। अच्छा, मोदी जी राम को लेके आए हैं तो जनता भी अब मोदी को लेके आएगी। जन मोदी क्यों कर लिया है राम को, हमें बता दो। तुम बताओ केला ले आया वो? हाँ, केले लेके आए हैं, टेंट में टेंट से हटा के पक्का घर दे दिया है राम को उन्होंने। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, पंडितों को जानो आप? पंडितों को जानो क्या? पंडित हो मैं रंडवा आदमी, उस पर हमन पे नहीं बैठ सकता। बैठ जाएगा और उधर राम मंदिर में कुकर बैठ जा रहा मोदी को रंडवे को। राम मंदिर के उद्घाटन में इतने बड़े बड़े लोग गए थे, देखा नहीं था क्या आपने? देखा था, हमने भी, हम भी गए थे। एक रूपा चढ़ाया था प्रधानमंत्री ने, क्या चढ़ाया वहाँ पता था मैं? बताओ पता गए? आप भी उद्घाटन में गए थे साथ होना फिर मोदी के? तो नहीं क्यों है साथ, हम तो हम तो लगता था उसकी साथ। उद्घाटन में गए हो तो साथ ही खेला जाओगे? नहीं हम नहीं कहने गए, भगवान उसी का खेला। मैं देखू भगवान को जी मनु मोदी यहाँ धरती में पैर मार के पेड़ी काट दे। क्या दिक्कत है मोदी से? मोदी से दिक्कत यह है, नु बताओ देश चलाने लायक है नहीं और रंडवाए आदमी। जी से देश चला रहे और आप ऐसे बोल रहे हैं उनको? हाँ, हमारे इलेक्शन करवा दो, प्रधानमंत्री को ऐसे बोलेंगे आप? आगे प्रधानमंत्री, हम नहीं तो बड़े रखा, हम ही तोड़ सके जी। 2024 में वोट दीजिए प्रधानमंत्री को, लाइए एक बार दोबारा मोदी को, विश्वास जताइए ना एक बार मोदी पे। कतलो विश्वास करे, कतलो विश्वास करे। गरीब भाई है सर, स्कूल में सरकारी में पढ़े, जट्टो इन्हें प्राइवेट में पढ़वा रखे, वहाँ फीस इतनी जा जितनी मारी जा, हमें भी तो प्राइवेट चाह। मारी बहनों की बारात आ जाओ, हमारे नाम का एक कोठा नहीं मिलता, जट्टो की गुसामंद करे हम बरात। ज्यादा गरीबों का भला करते हैं मोदी जी, कुछ नहीं करता। ये बदलाव तो गरीबों का या देवेंद्र कश्यप करागा, बस वो यो नहीं करे। अर जागा अर जो वोट मंगने गया भाजपा का कोई सा नेता, ये तो लत्तो था बीटा का, अरे लुगाइयों की चपलो था बीटा का। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम करो, आप कह रहे कि चप्पल से पीटेंगे लेडीज के नाम का क्या करा? क्या करा? महिलाओं को आरक्षण दे दिया, राशन दे दिया सबको पूरे। एक बात बताओ, महिलाओं को जो सब सारी सुविधा दे देता ना, तो तभी हम एक लेगा मेरे अग्गा थोड़ा खड़े होते, महिलाओं में तो तुम भी आओ। मेरे अग्गा थोड़ा नहीं खड़ा होते, सवाल पूछना हमारा काम है। अच्छा, तो उसमें जेंट्स भी तो ले सका मोदी, लेडीज लेडीज जरूरी है, बताओ मुझे। महिलाओं के लिए काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। क्या काम नहीं करा महिलाओं? कुछ भी नहीं करा, ठल्ली बैठी सब, बताओ क्या कर रहा? 10 साल से ऐसे ही सत्ता पर है, 10 साल तक आप ही लोग वोट दे के जिताते हो, फिर आप ही लोग बुरा बोलते हो। अरे बुरा तो नहीं बोला, हमने कुछ करा नहीं हमारे लिए, मर गए गोटो मसीर तो है हमारे।
विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का और आप कह रहे हो कि ऐसे कर दिया। विदेश मतलब जनूरा मोदी का लट बजेगा, मोदी का लट बजेगा। देखते नहीं हो कैसे स्वागत होता है, देखते नहीं हो कैसे स्वागत होता है, मेरी बात सुनो। हाँ। मेरी शायद कुछ उद्घटना हो जाओ। हाँ। मोदी मेरा पता लेना आ जाएगा। हाँ। आ जाएगा गे मेरे भाई आवेंगे। अरे वो देवेंद्र का सब आवेगा। हाँ। ये कुकर आ जाएगा ऐसी ऐसे बोलने से आ जाएगा क्या सब? हाँ जी ऐसे बोलने से आ जाए। हाँ। तो कब का मोदी हट चुका होता क्या? इब का हटागा, इब का हटागा नहीं हटागा, लगता था भेज जाएंगे। ऐसे ही बोलते हैं 400 पार। हाँ ऐसे ही बोलते हैं 400 पार, अब की बार 400 पार दावे वादे कर रहे हैं मोदी जी। हाँ। किसके ऊपर कर रहा? कह रहे हैं 400 सीट लेके आएंगे, जनता उनके साथ है। पोस्टर नहीं देखे हैं क्या? इनका 10 ही सीट कटवा दो कहीं को। हाँ। वो तो 400 की बात कर रहा है, 10 ही कटवा दो और 10 तो ये एमपी की तरफ घुमावेगा। मोदी है तो विकास की गारंटी। क्या मोदी है तो विकास की गारंटी? नहीं क्यों है मोदी? देवेंद्र कश्यप है बगा। मोदी से क्या तकलीफ है आपको? क्या काम नहीं कर रहे हैं? एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, मोदी से तकलीफ है बूझ रहे आप? हाँ। हैं ना तो उसके एक भी जक्कत प्रधानमंत्री है। इलेक्शन करवा दो ना तुम, आरक्षण करवा दो। प्रधानमंत्री है जी। हाँ। जी मन्नू आवा प्रधानमंत्री है। चुनाव हो रहे हैं, दोबारा मौका दे के देखिए ना एक बार। जी ना मौका नहीं देते मोदी को। नहीं देने के। आप तो मोदी के फैन लग रहे हो। क्या बोल रहे हो? मोदी के फैन हो आप तो? अरे सवाल पूछना हमारा काम है। तो अखिलेश का भी तो काम होगा, वो अभी तो नहीं कहा था मेरा भी सवाल पूछने का काम है। ये मीडिया वाले बिक जाओगे तुम, मोदी के ही सवाल पूछो। अगर हम बिके होते आपसे यह सवाल नहीं कर रहे होते। कांग्रेस के पूछो, कांग्रेस के पूछो ना। हैं मोदी के क्यों पूछ रहे बताओ? 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, 10 साल में भाजपा ने कर दिखाया है। क्या करा भाजपा ने? विश्व गुरु बना दिया है देश को। आपने देखा नहीं है कि डंके बज रहे हैं? राशन दे दिया, अस्पताल दे दिए, शौचालय दे दिया, स्कूल दे दिया, और क्या चाहिए आपको? चलो आपकी बात सही है, स्कूल भी कह रहे, नाज भी कह रहे, वो भी दे। किसका दे रहा मोदी? किसका दे रहा? सबका साथ सबका विकास, गरीबों तक को लेके चलते और कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। बोरा किए भी के धरती दिल्ली में उन्ना कहीं को दिल्ली में मोदी ने बोरा किए, वो भी तो हमारे ही बेच रहा होगा। हमारे ही तो बेच रहा है, हम ही खुआ रहा। अच्छा। अपना कौन सा घर तक खुआ रहा? आया कुछ देश में लेकर? अरे वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा ना ये सब। राम मंदिर बनेगा तुम जाओगे तुम भी हाथ जोड़ेंगे, हम जाएंगे हम भी हाथ जोड़ लेंगे। हाँ। उसका किले का थोड़ा बन गया वो। हाँ। वो तो सबका है। हाँ। तो राम मंदिर से कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत मोदी से है। मोदी से आरक्षण करवा दो, आरक्षण। एक बात बताओ, आप मौका दीजिए ना, चुनाव में करा देंगे वो आरक्षण। कब तक देंगे मौका? कब तक दे? अरे भाजपा सरकार ने 10 साल है, थोड़ा और साल रहने तो करा देंगे। 5 साल पीछे कहीं गए, 100 से आगे ही गया। 70 साल से कांग्रेस ने करा दिया था क्या? उनने बहुत कुछ करवाया। हाँ। अच्छा काम गिनवा दीजिए फिर। है जी काम गिनवा दीजिए। जोड़ जितने दे सारे कश्यप को दे। हाँ। नहर के वे थे सब कश्यप को दे, मछली पालन सब कश्यप को था। हाँ। के नहीं है सब कुछ है, मोदी ने भी सब कुछ कराया। क्या कराया? अरे अभी आपको कान गिनवाए हैं मैंने, आपको फिर भी दिक्कत हो रही है मोदी से। मकान मेरे मकान सरकारी बने हुए, पर अखिलेश की सरकार में बने, मोदी की में तो प्लास्टर भी नहीं हो रहा उनपे। अखिलेश की सरकार में महिलाएं ऐसे निकल सकती जैसे मोदी की सरकार में निकल रही हैं? मोदी ने क्या कर दिया? 100 नंबर अखिलेश ने दी थी। हाँ। टायर नहीं बदले गए मोदी पे। भाजपा की सरकार में महिलाएं रात तक को निकलती है सुरक्षित महसूस। मेरा फोन नंबर खो गया ना, मेरा फोन नंबर खो गया, मैं दूसरा कटवा लूंगा। ठीक, वो काम उसका है, वो 100 नंबर तो खो गया था पर उन्होंने 112 करवा दिया। हाँ। मतलब जी मनु था जो उसके टायर बदलवा उस पर रंग दोबारा करवाता। तो क्या दिक्कत हो गई? नंबर ही तो बदलवाया है। क्यों बदलवाया? दूसरे की सरकार में अपना नाम क्यों कर रहा? हाँ। अपना करो ना। तो सत्ता पे मोदी है, मोदी जो चाहेगा वही होगा। क्यों चाहेगा? जो पब्लिक होगी वो चाहेगा। हाँ। पब्लिक चाह रही है मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे ही करती है वो। नहीं मोदी को कोई नहीं चाह रही, भाई चाह रही है मोदी को। कोई नहीं चाह रहा मोदी को, कश्यप समाज है। फिर भी मोदी ही आएगा, मोदी ने पहले ही कह दिया है। क्यों आवेगा मोदी? खुद पे इतना विश्वास क्यों है फिर जब जनता साथ नहीं है तो? है जी खुद पे इतना विश्वास क्यों है मोदी को कि जब जनता ही साथ नहीं है? किसके? आप लोग कह रहे हैं आप मोदी के साथ नहीं है, फिर भी मोदी को विश्वास है कि अब की बार वो ही आएंगे 400 पार लेकर आएंगे। क्या कुकर देगा जी? भाई सारे साथ है।
बताओ कुकर का दगा अधिकार के लिए अपने पैसे लगा रहे हैं, अपने पैसे ये, लगा रहे हैं यहाँ पे। ये भूखे अच्छा बता दीजिए जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें मोदी नहीं तो कौन? कांग्रेस देवेंद्र कश्यप। देवेंद्र कश्यप है, देवेंद्र कश्यप है पक्का उससे बोल रहे देवेंद्र कश्यप तो नहीं वो तो नुकर है दो थे वो किला एक तक रहा मोदी आ गया तो क्या करेंगे फिर के? मोदी आ गया तो क्या करेंगे मोदी क्या करेंगे जी बाण देंगे जी भी तो आवेगा बताओ। चले देखिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जनता में कितना गुस्सा दिख रहा है मोदी को लेके, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि और ये भी कह रहे हैं कि अब की बार मोदी को नहीं आने देंगे, सीधे तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी और मोदी को नहीं आने देंगे। जो मोदी ने जो दावे वादे करे थे उसमें खरे नहीं उतरे, आरक्षण तक नहीं दिया है जनता को, उसी को लेकर इनमें आक्रोश दिख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर है हम, सीधे तौर पर आपको बता रहे हैं कि जनता से किस तरीके से ये दिक्कत हो रही है। तो बाकी की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।